New Year Party 2023 Hotel, The Heritage Convention, Unlimited Starters, Food, Live Music, DJ, Full Entertainments, Onwards, Kanera Dev Road, Sagar. सागर के बागराज वार्ड स्थित आवासीय कॉलोनी में बीते दिन MPEB ने बिजली काट दी थी, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और करीब दो दिनों तक अंधेरा फैला रहा। इसमें दिलचस्प बात यह है कि नगर निगम ने 1,40,00,000 रुपए का बिल नहीं भरा है, जिससे लाइट काट दी गई थी। इनमें 120 आवास शामिल हैं। दरअसल पहले ऐसे आरोप लग रहे थे कि ऐसा जानबूझकर किया गया है। फोन करने पर नगर निगम को बताने कहा, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। वहीं अब इस मामले में असल बात निकलकर सामने आई। इसको लेकर विद्युत मंडल के कार्यपालन अभियंता प्रमोद कुमार गेडाम का कहना है कि निगम द्वारा करीब 1,40,00,000 रुपए का बिल बकाया है, जिसको लेकर आवासीय कॉलोनी की लाइन काट दी गई थी। इसके बाद बिल भरने की सहमति की बात पर लाइन को जोड़ा है। इसमें पैंच ये फंस रहा है कि निगम द्वारा जो 200 रुपए बिल लिया जाना है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लोग कुछ समय से यहाँ पर रह रहे हैं या हाल ही में आए हैं, उनसे भी शुरुआत से ही बिल भरने की बात कही गई है, जबकि लोगों का कहना है कि वो सब मीटर के आधार पर ही बिल भरेंगे, इसलिए ये सब दिक्कत आ रही है। निगम बिल नहीं भर रहा है, जिसकी ये जिम्मेदारी है। वहीं राजनीतिक दखल के बाद गुरुवार की देर रात तकरीबन 11 बजे लाइन जुड़ सकी थी, लेकिन वोल्टेज शुक्रवार की दोपहर में आया। आवासीय कॉलोनी का 1,40,00,000 रुपए बिल बकाया था, तो हमने कई बार पत्राचार किया, कई बार संपर्क भी किया, लेकिन पिछले 6 महीने से कोई रिस्पांस न मिलने पे वो लाइन काट दिया गया। तो क्या बना फिर, इसमें क्या आश्वासन मिला है कि बिल का भुगतान होगा? तो ये कौन की समस्या को देखते हुए कल रात को लाइन जोड़ दी गई। तो ये कौन भरेगा सर? नगर निगम भरेगा। New Year Party 2023 Hotel, The Heritage Conventions, Unlimited Starters, Food, Live Music, DJ, Full Entertainments on 31st December 6 p.m. onwards, Kanera Dev Road, Sagar.